नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। वक्त देश की बात का हो गया है। धर्मो रक्षति रक्षति, मतलब जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये बात शायद इस वक्त के हालातों पर बिल्कुल सही बैठती है। दरअसल तमिलनाडु के खेल मंत्री और मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि ने 2 सितंबर को चेन्नई में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सनातन धर्म की तुलना कोरोना वायरस संक्रमण, डेंगू और मलेरिया से करते हुए इसे खत्म किए जाने की वकालत की थी। उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन धर्म लोगों को धर्म और जाति के आधार पर विभाजित करता है। सनातन धर्म का खत्म होना मानवता और समानता को बनाए रखने के लिए अच्छा होगा। इस टिप्पणी के बाद उदयनिधि इशारे पर है। हालांकि उदयनिधि के बाद में दावा किया था उन्होंने सनातन धर्म के अनुयायियों के खिलाफ कोई बात नहीं की। वहीं उदयनिधि के बयान को मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे मयंक खड़गे ने समर्थन दिया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में कहा कि उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब देना चाहिए। कुछ खबरों की माने तो पीएम मोदी ने शर्तों के साथ मंत्रियों को सनातन धर्म विवाद पर बोलने की छूट दी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या 2024 का चुनाव धर्म पर लड़ा जा रहा है? क्या सनातन धर्म को बीच में लाना जरूरी है? क्या सनातन धर्म पर टिप्पणी किए बिना कोई भी चुनाव जीता नहीं जा सकता? हो सकता है कि विपक्ष इस बात को गांठ बांध चुका हो कि जब तक आप सनातन धर्म पर कटाक्ष करते रहेंगे तो आपको वोट मिलते रहेंगे। अब ऐसे में सवाल है कि जहां बीजेपी पर यह आरोप लगता है कि वो धर्म की राजनीति करती है, वो कहीं ना कहीं कॉपीराइट समझती है इस धर्म पर, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसी को कटाक्ष करता है। तो यानी विपक्ष जो है क्या वो दूसरे धर्मों के साथ है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। एक बड़ा ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर कैसी प्रतिक्रियाएं देश भर से सामने आ रही हैं। विशेषकर मैं कांग्रेस पार्टी से, क्या आपके नेता अगर मिस्टर परमेश्वर ये कहते हैं और आपके अलायंस सहयोगी उदय निधि ये कहते हैं कि हिंदू धर्म एक डिजीज है, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एटम बम के आविष्कारक रॉबर्ट ओपेनहाइमर को गीता में प्रेरणा नजर आती है। एटॉमिक स्ट्रक्चर देने वाले नील्स बोर ने अपनी किताब में लिखा है कि मैं उपनिषदों को पढ़ता था। रॉकेट साइंस के फादर वर्नर वॉन वॉन के गुरु हरमन ओबर्ट ने लिखा है कि मैं वेदों को पढ़कर चीजों को लेता था। वर्नर हाइजनबर्ग जिसने अनसर्टेनिटी की थ्योरी दी, उसने अपनी किताब में लिखा है कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से डिस्कशन के बाद उसे वो कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हुआ। मान्यवर, अगर इन सारे लोगों को इसमें ज्ञान नजर आ रहा है और इस कांग्रेस के लोगों को और इस गठबंधन के लोगों को इसमें डिजीज नजर आ रही है, तो डिजीज इनके दिमाग में आ गई है, उसमें नहीं है। पार्टी का किसी भी धर्म से भावनात्मक लगाव है ही नहीं, किसी धर्म में आस्था है ही नहीं, हर चीज की मार्केटिंग करते हैं। इसी प्रकार से ये सनातन शब्द की भी मार्केटिंग करते हैं। तो इस आशय में अगर केरल के मंत्री जी ने कुछ कहा है तो भारतीय जनता पार्टी को दर्द क्यों हो रहा है? ये मार्केटिंग करें, ये मनमाना करें, ये देश की जनता की आंख में धूल झोंकें, धर्म के नाम पर आस्था से खिलवाड़ करें, वो अच्छी बात है, तो स्वाभाविक रूप से इनकी नौटंकी का खुलासा होना चाहिए। गोपाल सिंह अपने कुछ साथियों के साथ भाजपा ज्वाइन कर लेंगे घोसी चुनाव के। अब शिवपाल यादव जी राजनीति के बहुत माहिर और बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं, राजनीतिक भी हैं, नेता भी हैं, लंबा राजनीतिक अनुभव भी रखते हैं। जिस प्रकार से कुछ नेताओं को पता नहीं कहां से मति भ्रम हो गया है, कर्नाटक के मंत्री उदयनिधि का बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने सनातन को खत्म करने की बात किया है, जिस सनातन को शक, हूर्ण, कुषाण, यवन, मुगल, अंग्रेज नहीं खत्म कर पाए, अब उसको उदयनिधि क्या खत्म करेंगे? दुर्भाग्य की बात है कि दोबारा बयान एक और मंत्री का आया है, प्रियांक खड़गे का। उसने सनातन को बीमारी से तुलना कर दिया, एक ने गंदगी और मच्छर और मलेरिया से तुलना किया और खत्म करने का बात किया। दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसे नेताओं के बारे में क्या कहा जाए,
मुझको लगता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अब साधु संत तो कह रहे हैं कि उदयनिधि स्टालिन की जो बुद्धि है वो विपरीत तरीके की हो गई है क्योंकि विनाश का समय आ गया है। ये विनाश क्या INDIA गठबंधन का होने जा रहा है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं क्योंकि सनातन पर लगातार घात लगाए बैठे कई लोग कुठारघात करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, राजनीति है, धर्म अलग है। धर्म का अपमान बार बार आखिर क्यों सहा जाए, सवाल यही है। सनातन धर्म पर जो लड़ाई है 2024 की वो पूरी आ चुकी है। आप कितने भी एग्जाम्पल उठाकर देख लीजिए, ऐसा ही होता है। हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश लगातार की जा रही है, ऐसे आरोप बीजेपी लगा रही है। सोशल मीडिया पर दो धड़े शुरू हो चुके हैं कि धर्म पर लड़ाई नहीं की गई है, धर्म का अपमान नहीं किया गया है। दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हिंदुत्व पर हम कुठारघात बर्दाश्त नहीं करेंगे, हिंदुत्व पर हमला हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, सनातन धर्म पर हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो साधु संतों को, जैसे कि आपने सुना भी अभी कि उनका कहना था कि अंग्रेज आ गए, मुगल आ गए, जब वो सनातन धर्म को खत्म नहीं कर पाए तो स्टालिन क्या खत्म करेंगे। हालांकि सवाल ये भी है कि जो गठबंधन है INDIA, उसी में स्टालिन भी आते हैं। अगर उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे भी दिया, हो सकता है कि उनसे गलती हो गई हो, तो फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे भी इसको हवा देते हुए नजर आ रहे हैं। तब ऐसे में समझा जाए कि पूरा गठबंधन क्या सनातन के खिलाफ हो चुका है, अभी दूसरे धर्मों के साथ या उनको लेकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हिंदुत्व के सवाल पर देश में सियासी बवाल मचा हुआ है। हर किसी की अपनी राय है, हर किसी की अपनी सोच है, लेकिन सवाल कि आखिर राजनीति में धर्म आड़े बार बार क्यों आ जाता है, क्या ये जीत का फंडा है? ऐसे ही बहुत सारे तीखे सवाल हैं, जवाब तलाशेंगे। एक बड़ा ही सम्मानित पैनल मेरे साथ जुड़ गया है। मनोज पंडित जी मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। कार्तिकेय सिंह मेरे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के। नीरज राय जी मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप तीनों का बहुत स्वागत है। राय साहब, सबसे पहले आप इसे शुरुआत, सनातन धर्म पर बार बार कटाक्ष करना, बार बार हमला करना, क्या राजनीति में अब यही बचा है? मुद्दे हमारे पास खत्म हो गए हैं? हमारे देश में सब कुछ बेहतर है, गरीबों को सब कुछ मिल रहा है, रोजगार मिल रहा है, सेवाएं मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, नौकरियां मिल रही है, साथ ही साथ जो हमारे देश का विकास है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। कई मुद्दे खत्म हो गए हैं, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो गया है जो हम धर्म पर लड़ रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल सही आपकी बात है। और सबसे पहली बात यह है काजोल जी कि सनातन धर्म न कभी खत्म हुआ, न ही कभी कोई खत्म कर सकता है हमारे सनातन धर्म को। और हमारे संत समाजों का बोलना, आक्रोशित होना लाजिमी है, क्योंकि हमारे धर्म के जो ध्वजवाहक हैं संत समाज है। लेकिन जितनी आक्रामकता अगर भारतीय जनता पार्टी ध्वजवाहक बनकर सनातन धर्म का घूम रही है, और हमारे प्रधानमंत्री जी का यह बोलना कि इसका हिसाब होगा, अरे आपको प्रतिकार ही करना था तो मणिपुर पे किए होते, प्रतिकार ही करना था आपको तो चाइना हमारे देश की जमीन अपने नक्शे में शामिल कर लिया, उस पे आप किए होते, प्रतिकार ही करना था तो आप बेरोजगारी पे प्रतिकार करते, तमाम जो अभी महिला सशक्तिकरण पे बात इसके प्रतिकार करते। यह जाहिर बात है कि धर्म के नाम पर राजनीति को करने का कार्यक्रम जो है और कार्य भारतीय जनता पार्टी पर खूबी करती आई है। इससे पहले बताइए कि प्रधानमंत्री जी कब बोले हैं, अरे भारतीय जनता पार्टी का एक अदना सा भी कार्यकर्ता अगर इस पर बोलता तो अच्छा खासा बोल लेता वो। लेकिन प्रधानमंत्री जी वोट मांगने के लिए कि सभी इसका परिणाम निकाल कर देंगे, यह कहीं ना कहीं जो है एक दूसरे के लिए बढ़ावा देने का कार्यक्रम चल रहा है। मुद्दे पे हम नहीं मांगेंगे, न मुद्दे पे हम बात करेंगे, न मुद्दे पे भारतीय जनता। हम देख रहे हैं कि विपक्षियों द्वारा लगातार हिंदुत्व पर या सनातन धर्म पर कटाक्ष किया जा रहा है, हमला किया जा रहा है, क्या कोई टारगेट सेट है क्या? देखिए, यह विपक्षियों के द्वारा अगर किया जाता है, धर्म के प्रयोग कर रहा किया जा रहा है, तो हमारे नजर में सब धर्म समान है। सर जो सब धर्म है इज्जत योग्य है, उसका हम आदर कर सकते हैं। अगर जो बोलता है तो मैं तो ये बोल रहा हूं कि इतने बड़े लोकतांत्रिक देश का जो स्वयंभू बने बैठे हैं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, उनका एक मंत्री के बेटे
एक प्रदेश स्तर के राजनैतिक एक उभरता हुआ व्यक्ति के अपोजिट में आकर देश का जो विश्व गुरु का तमगा लिए घूम रहे हैं उसका प्रधानमंत्री अगर बोलता है कि यह कहां से सैद्धांतिक है भाई, कहीं सैद्धांतिक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री जी को, मैं अभी बोल रहा हूं कि सनातन धर्म का न कोई खात्मा कर सका है और न भविष्य में कोई कर पाएगा, इसके लिए हमारे जो है ना संत समाज आक्रोशित होने के लिए है। हमारे धर्म का ध्वजवाहक संत समाज है ना कि भारतीय जनता पार्टी, इस पर थोड़ा सा सोचना पड़ जा रहा है। और जिन मुद्दों पे बोलना चाहिए, आपने कहा बेरोजगारी, 51% युवा हमारे यहाँ बेरोजगार है। बढ़ती महंगाई पे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, गिरते रुपये की कीमत पे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, गिरते डीजल पेट्रोल पे नहीं बोलेंगे, बढ़ती हुई शिक्षा की मार पे हमारे प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, महिलाओं के साथ जो अनाचार दुराचार अत्याचार हो रहा उस पर प्रधानमंत्री जी नहीं बोलेंगे, कहां बोलेंगे? धर्म पे। अरे धर्म के लिए तो हमारे सनातन धर्म में साधु संत बैठाए ही गए हैं बोलने के लिए, उनका अनुसरण हम करते हैं। हमको भी आपत्ति है अगर दयानिधि महारानी ने बोला है तो, हमको भी आपत्ति है प्रियांक खड़गे ने बोला है तो, लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं? यूनाइट कर रहे हैं कि आप लोग पूरा 2024 में फिर धर्म के नाम पे धर्म का इस पूरे तरीके को एक राजनीतिक एंगल देने की कोशिश हो रही है, इसके अलावा और कुछ इसमें नजर नहीं आता है। ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास राय साहब। मनोज पंडित जी हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज जी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं और इस पूरे बयान को लेकर वो उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब देने की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि हम धर्म की लड़ाई बार बार लड़ रहे हैं, क्या ये सिर्फ धर्म की लड़ाई हो गई है? हमें जीतना है तो हम धर्म को बीच में ले आते हैं, क्यों? आप मुझे बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक कोई बयान ऐसा दिया जिससे धर्म की बात करते हो? आप ये देखिए कि जो INDIA जो गठबंधन बनाया है, गठबंधन के दो घटक दल या SP समाजवादी पार्टी के स्वामी प्रसाद मौर्य और उदय सिंह जो है, इन लोगों ने ऐसे बयान दिए, क्या देश की जनता उस पर अपना अपमान महसूस नहीं कर रही? आप ये बताइए कि हिंदू धर्म हिंदुस्तान में सबसे बड़ा धर्म है, सारी चीजें हैं, वो कहते धर्म ही नहीं है। ये तो ऐसी बातें करना, इससे क्या साबित करना चाहते हैं ये लोग? इससे क्या देश की अखंडता और एकता को ये बिखेरने का काम नहीं कर रहे हैं? ये जो गठबंधन बनाया है, ये गठबंधन इसलिए बनाया है इन्होंने कि जो 28 दलों में से 19 दल ऐसे हैं इनके पास जिनके पास CBI ED और करप्शन के चार्जेस जिनके ऊपर चल रहे हैं, और आप ये देखिए कि इनको देश बचाने की जरूरत, ये देश नहीं बचाना चाहते क्योंकि इनकी इनका कोई ब्लूप्रिंट ऐसा है ही नहीं जिसमें देश बचाने की बात हो। इनका ब्लूप्रिंट तो सिर्फ ये है कि अपना परिवार और अपने आप को हमने बचाना कैसे, तो ये इनकी मानसिकता है। आज भारत में भारत की जनता सिर्फ उन हाथों को, उस पार्टी को सपोर्ट करने की बात करती है जहां उनका भविष्य सुरक्षित है। जब से आज देखिए पूरे देश में आज डंका बज रहा है हिंदुस्तान के लिए, आप चंद्रयान आपने चला दिया, सूर्यान आपने भेज दिया, चीजें हैं, पूरा विश्व आपकी तरफ आंखें निहार के देख रहा है। आप किस बहस में पड़े हुए हैं? आप इस बहस में पड़े हैं कि आप हिंदू धर्म को खत्म कर दें कि या राम का अस्तित्व नहीं है, इन सब चीजों को लेके पड़े? अरे आपको बहस करनी है, आप करिए ना, किसने रोका है? तो मुद्दों पर भी तो विपक्ष बहस करने के लिए तैयार रहता है, सरकार कहां बहस कर रही है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप मुद्दों में बहस कीजिए ना। आप मणिपुर में जब आप बुलाते हो, आप संसद को चलने नहीं देते 7-8 दिन, उसके बाद आप जब मणिपुर पर बहस होती है तो आप वॉकआउट करके चले जाते हैं पार्लियामेंट से, आप सुनते नहीं है वहां पर। तो ये आप, राहुल गांधी चाइना से 1000 किलोमीटर चाइना देश के अंदर घुस गया, अरे भाई कहाँ घुस गया बताइए तो सही। विपक्ष की जिम्मेदारी है, जितनी जिम्मेदारी सरकार की है उतनी जिम्मेदारी विपक्ष की भी होती है देश को चलाने के लिए। आप देश के गृह मंत्री को बताइए, आप रक्षा मंत्री को बताइए कि कहाँ से कहाँ चाइना घुस गया देश के अंदर, पर आप बताने को तैयार नहीं है। आप सारी बातें मीडिया के अंदर करेंगे ताकि देश की जनता को गुमराह किया जा सके, और गुमराह करके कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट अपने गठबंधन को दिलवाने की बात करेंगे। तो अब काजोल जी, मैं ये बता दूं आपको कि जनता भरमाने वाली नहीं है। अब जनता जानती है कि उनका भविष्य सुरक्षित है कहाँ और कहाँ पर चीजें हैं,
आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कीजिए ना, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतिहास तो मुझे लगता नहीं पहले इतना बड़ा काम कहीं हुआ है। पर लेकिन आपको चीजें, आप सिर्फ बरगलाने की बात करेंगे, आप सिर्फ वो बातें करेंगे जिन बातों से जनता को भरमाया जा सकता है। चलिए ठीक है, वापस लौटूंगी आपके पास। कार्तिकेय सिंह हमारे साथ बने हुए, प्रवक्ता है कांग्रेस के। कार्तिकेय जी, क्या हो रहा है? जितने भी दल आपसे जुड़े हुए हैं एक के बाद एक बयानबाजी कर रहे हैं हिंदू धर्म को लेकर। कभी स्वामी प्रसाद मौर्य करते हैं, कभी उदयनिधि स्टालिन करते हैं, तो कभी प्रियांक खड़गे करते हैं। सर ये क्या हो रहा है? क्या ये कोई एजेंडा तय कर लिया है विपक्षी दलों ने कि हम ऐसा करेंगे तो हम एक धर्म को पूरी तरह से बॉयकॉट कर देंगे और बाकी जो धर्म है हम उनके लिए अच्छे हो जाएंगे, वो लोग हमें वोट कर देंगे, हम जीत जाएंगे? काजल जी, आपका सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे पहले स्टालिन जी के वक्तव्य पे आ जाता हूँ। उसके बारे में कांग्रेस पार्टी बड़ा स्पष्ट कह रखा है कि कांग्रेस पार्टी सर्वधर्म संभाव में यकीन करती है और सारे धर्मों को हम साथ में लेकर के चलते हैं। अगर हमने भारत जोड़ो में जब नारा भी दिया तो हमारा यही मकसद था कि सभी जाति और धर्म के लोग एक हों और किसी में भी किसी भी बात को लेकर के आपसी मन मुटाव ना हो और आपसी भाईचारे के साथ हम रह करके आगे काम करें। और रही बात प्रियांक खड़गे जी की, तो प्रियांक खड़गे जी की बात को किस तरीके से बार बार तोड़ मरोड़ के मीडिया में पेश किया जा रहा है, प्रियांक खड़गे जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि कोई भी धर्म, अब कोई भी धर्म है तो हिंदू धर्म भी आ सकता है, इस्लाम भी आ सकता है, सिख भी आ सकता है, ईसाई धर्म भी आ सकता है, जैन, बौद्ध, पारसी, कोई भी धर्म जहां पे समानता नहीं है वैसे धर्म खत्म हो जाना चाहिए। ऐसी चीज को लेकर हमारे बहुत सारे क्रांतिकारियों ने बोला था। भगत सिंह जी स्वयं अथीस्ट थे, उनके धर्मों में आस्था नहीं थी। अंबेडकर जी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट की अगर आप पुस्तक पढ़ेंगे तो उन्होंने जो जाति व्यवस्था थी कितने उसके बाद 1956 के जब वक्तव्य सुन लीजिए इसके बाद वो बौद्ध धर्म में गए थे, तो उन्होंने बहुत सी ऐसी चीजें बोल रखी। इनको सिर्फ और सिर्फ जहां पे राजनीतिक लाभ मिलता है वहां पे इनकी राजनीति, जहां पे लगती है मेरी राजनीति चमक सकती है वहां हमको सनातन धर्म की याद आ जाती है, वरना इसी सनातन धर्म के किसान आत्महत्या करते हैं, इसी सनातन धर्म की महिलाएं आज महंगाई से परेशान है, इसी सनातन धर्म के बच्चे जिनपे रोजगार नहीं है, जिनका रोजगार से बेरोजगारी का डेटा एनएसओ नहीं देता है, वो इसी सनातन धर्म के, मणिपुर में जिस बच्चे के साथ ऐसा हुआ जिस लड़की के साथ, वो भी सनातन धर्म की थी। अरुणाचल प्रदेश में जब चाइना अपने मैप में अरुणाचल प्रदेश को ऑफिशियली दिखाता है तो वहां पर भी सनातन धर्म के लोग हैं, वहां पर क्यों चुप हो जाते हैं? और जो राजनीतिक विशेषज्ञ उन्होंने बहुत सही बात बोली, आप बताइए तो प्रधानमंत्री जी को आपने इस तरीके से मुखर होकर के बोलते कब देखा था? काजोल जी, आप तो स्वयं एक महिला, एक लड़की हैं, आप बताइए ना, महिला पहलवान इतने सड़कों पे को घसीटा गया था, प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला था? नू हिंसा पे एक शब्द नहीं निकलता है, गो हत्या के नाम पे, गो तस्करी के नाम पे आज इस देश में लोगों को मारा जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। इसी देश में दलितों को पीट पीट के मारा जाता है, एक शब्द नहीं बोलते हैं। मणिपुर के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं। लगातार 9.5 साल तक गैस सिलेंडर के दाम बढ़ते हैं, एक शब्द नहीं बोलते, और 200 रुपए कम करके 700 रुपए का लगभग इजाफा करके 200 रुपए चुनाव से पहले 6 महीने कम करके कहते हैं कि मेरी बहनों बधाई हो आप। ये है इस सरकार की असलियत। और जो मेरे साथी जब बता रहे थे सनातन धर्म, इनको बहुत चिंता थी। जेपी नड्डा ने कुछ दिन पहले ट्वीट किया था कि हम बड़े ऐतिहासिक कार्य कर रहे हैं और हमने 290 जिलों में भाजपा के कार्यालय खोल रखे थे। हमारे साथी से पूछे गए 2 मंदिरों के नाम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वयं के पैसे से खोल दिए हो सनातन धर्म के लिए। राम मंदिर के नाम पे भी आसपास की जमीनों में भ्रष्टाचार करने वाले यही हैं। फिर उन्होंने कहा कि देश में ऐसा कभी नहीं हुआ था कि देखिए चंद्रयान पहुंच रहा है। 2008 में चंद्रयान पहला मिशन पहुंच चुका था, 2013 में मिशन ऑफ मार्स जिसे कहते हैं, इसको मॉन्क के नाम से जानते हैं, मंगलयान मिशन था, वो पहुंच चुका था। ये बात अलग है, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में शायद आते, शायद नहीं 2014 के बाद। फिर उन्होंने यहाँ पे बोला कि चाइना के बारे में, जब स्वयं से बोला कि चाइना कहाँ पे घुसा हुआ जरा बताइए, तो जयशंकर जी से पूछ लीजिए। अब राहुल गांधी जी को क्यों बुला रहे हैं? आप विदेश मंत्री तो कह रहे थे ना चाइना से हमारी सिचुएशन काफी क्रिटिकल है वहां पर, उनसे पूछ लीजिए। आर्मी के चीफ जो है उनसे पूछिए, 17 बार वार्ता कर चुके हैं इस चीज को लेकर के, उन लोगों से पूछिए। हमसे पूछने की क्या जरूरत? हमारे पास जब एजेंसी आएंगे हम तो अपनी चीजें कर देते हैं, हम तो सामने से रहते हैं, हम ना कोई घुसा है ना कोई। मेरा सवाल ये है, ठीक है, विपक्ष चिंता जाहिर कर रहा है कि देश में महंगाई बढ़ गई है, देश में महिला सुरक्षा होनी चाहिए, किसानों को सुविधा मिलनी चाहिए, बहुत सारी बातों को आप उजागर कर रहे हैं, और जो सीमा सुरक्षा के मुद्दे हैं उसको राहुल गांधी लगातार उठा रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप लोगों से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं? सर देखिए, अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को लेकर हमारे देश में एक अलग ही संस्कृति है, अलग प्रेम है, सनातन जो प्रेमी है वो लगातार मुखर होकर बोलते हैं, और इस तरह की अगर बयानबाजी होगी तो क्या देश बर्दाश्त कर लेगा? काजोल जी, सनातन का अपने आप में ही मतलब होता है इंटरनल, जिसका कोई अंत नहीं हो।
ठीक इसी तरीके से अगर आप भारत में एक उदाहरण दे रहा हूँ, भारत देश की बात करिए, तो या तो आप भारत माता के लिए भारत माता की जय करते रहिए, एक ये काम आपका हो गया, एक आप भारत माता क्या है, देश क्या है वो समझिए, उसके अनुरूप कार्य करिए। ठीक इसी तरीके सनातन धर्म में, सनातन धर्म हमारा हमेशा अजय था, अजय रहेगा, कोई इसको रोक नहीं सकता, कोई इसको कुछ ना कुछ बिगाड़ नहीं सकता। उसको स्वयं का अगर आप मतलब ही देखिएगा सनातन धर्म का, उसका मतलब ये कि वे ऑफ लाइफ, और जिसका अंत नहीं होता। हिंदू धर्म का मतलब हमारे जीने का तरीका, तो उस जीने के तरीके में हम किस तरीके से अपने काम कर रहे हैं उसका मतलब है सनातन, और इसका मतलब है हिंदुत्व। हिंदू जहां पे एक्सेप्टेंस भी होगा हमारा, हमारा टॉलरेंस भी होगा। मैंने इसीलिए कहा कि किसी पार्टी ने जो हमारे साथ अलायंस में है, अगर उन्होंने कहा तो उनका वो व्यक्तिगत बयान है, उसका खंडन होना चाहिए। और उस हम जिस तरीके से मैंने कहा कि हम सब धर्म संभाव विश्वास करते हैं, हम उसके साथ खड़े हैं। यानी कांग्रेस से पूरी तरह से साइडलाइन हो रही है, कांग्रेस साइडलाइन हो रही है, ठीक है। मैंने ही कहा, मैं अपनी बात बस एक लाइन स्पष्ट कर लूं। और रही बात की सनातन धर्म के ऐसे लोग आपके साथ क्या है, तो नरेश अग्रवाल पहले समाजवादी पार्टी में हुआ करते थे, जिन्होंने संसद में राज्यसभा में खड़े होकर के राम जी के ऊपर और तमाम भगवानों के जो तुलना थी वो विस्की दारू रम इस तरीके से उन्होंने वक्तव्य किया, तो काफी लोग खुल के हंस रहे थे। आज वही नरेश अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी में, उनके जो सुपुत्र है वो उपसभापति इसी भारतीय जनता पार्टी में, उनसे क्या कर लिया उन्होंने? तो क्या वो सनातन विरोधियों के साथ है या सनातन विरोधियों को अपनी पार्टी में लेकर के आ रहे हैं? उनसे ये सवाल पूछना चाहिए था। हमने तो अपनी चीजें बड़ी स्पष्ट कर दी है, हमारे किसी नेता ने ना सनातन धर्म के खिलाफ बोला है, किसी धर्म के खिलाफ बोला है। जो प्रियांक खड़के जी की बात थी उसको मैंने बड़ी स्पष्ट रूप से आपसे बोली, उन्होंने कहा कि जिस भी धर्म में अगर ऐसा है उस धर्म में कोई खत्म नहीं हो जाना चाहिए, ये बात बोली है। ठीक है, ठीक है कार्तिकेय जी। राय साहब देखिए, अभी हमने कांग्रेस को समझ लिया, कांग्रेस को समझने के बाद हमारा ये तय हो गया है कि कांग्रेस का रूप क्या कह रहा है। कांग्रेस सीधे तौर पर कहना चाहती है कि हम सब धर्म के साथ हैं, हम भारत के साथ हैं, लेकिन हम उस बयान का खंडन करते हैं। लेकिन जो प्रियांक खड़गे का बयान था उसको हम डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर मेरा यही सवाल है, शुरू से लेकर आखिर तक यही सवाल रहेगा कि सनातन धर्म को ही टारगेट क्यों किया जाता है हमेशा, हर बार हर चुनाव? देखिए, देखिए काजोल, एकदम आपने सही बात किया है। मैं भी अपनी मनसा स्पष्ट कर दूं, जब तक एक राजनैतिक पार्टी खुद धर्म का ठेकेदार बने अगर घूमेगी, हमारे यहाँ धर्म के संरक्षक और रक्षक संत समाज है, स्वघोषित ठेकेदार नहीं। और भारतीय जनता पार्टी जो कि ठेकेदार बने घूम रही है, इनके सभी प्रवक्ता उन मुद्दों पे उतना मुखर होकर नहीं बोलते हैं। महंगाई पे नहीं बोलेंगे, गिरते रुपए के दाम पे नहीं बोलेंगे, बढ़ते डीजल पेट्रोल के दाम पे नहीं बोलेंगे। लेकिन आप देखिए कि सभी के सभी एक्टिव हो गए। अब आइए, सनातन धर्म है और हिंदू जो है एक जीवन पद्धति है, सभ्यता और संस्कृति है। तो हिंदू को पहली बार देश में तीन कैटेगरी में बांटने का अगर किसी ने काम किया है तो यही मजबूत सरकार ने किया है, अगड़ा हिंदू, पिछड़ा हिंदू और दलित हिंदू। इससे पहले हम हिंदू ही समझते थे 2014 से पहले, यह फैक्ट बात है। दूसरा जो चीजें हैं इनका ये बताइए, अगर स्टालिन के बेटे ने बोला है, प्रियांक खड़गे ने बोला है, तो संत समाज आ गया है। आप ये नहीं कह रहा हूं कि हेट स्पीच, सुनिए, बहुत बेहतर तरीके से सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, संत समाज तो आगे आ रहा है ना सर? जी 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 बिल्कुल, मैं संत समाज के साथ हूँ, मैं सनातनी का उपासक हूँ, मैं भी सनातन धर्म का हूँ। यह भी नहीं है कि मुझे भाजपा की तरफ चिल्लाना भी नहीं है, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ ना। लेकिन ये बताइए कि भाजपा ठेकेदार है क्या सनातन धर्म का? भाजपा इस पर कूदे, भाजपा एक मजबूत सरकार, अगर कोई हेट स्पीच करता है काजोल, तो तत्काल 153A के तहत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या किसी के ऊपर हुआ है? कभी भाजपा के नेता बोले तो कभी कांग्रेस के नेता बोले। अभी हमारे मनोज भाई बोल रहे थे स्वामी प्रसाद मौर्य, ये वही स्वामी प्रसाद मौर्य है जो बसपा से लेके भाजपा से लेके फिर सपा में कहां कहां कूदेगा। ये बरसाती मेढकों की टीम आपसे ही तो निकल कर आई है, उससे पहले किस्मत ही नहीं महत्व रखता है, लेकिन आपसे निकल कर आई। अभी कार्तिकेय ने बताया कि क्या बोला नरेश अग्रवाल के लड़के ने, भाई साहब पहले आप धर्म की इज्जत करना सीख जाइए, धर्म की इज्जत करना सीखिए, उसके बाद आप यह बताइए। अभी देखिए, प्रधानमंत्री जी को बोलना किस पे चाहिए? एक सांसद नहीं जान रहे हैं कि विशेष सत्र बुलाया किस लिए गया है, और यह विशेष सत्र बुलाया गया और विशेष सत्र में क्या करना है,
यह भी नहीं पता है तो जाहिर सी बात है, अगर हम एक मजबूत लोकतांत्रिक देश में हैं तब तो मजबूत सरकार का महत्व तो समझते हैं, नहीं तो अगर हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं जिसका जो मन करे बोल के निकल जाए। सरकार अगर विशेष सत्र लेकर आ रही है, देखिए वो थोड़ा मुद्दा अलग हो जाता है, लेकिन ये जो मुद्दा है वो धर्म से रिलेटेड है। हम इन दोनों को अगर मर्ज कर दे, और जैसे कि अब नाम को लेकर भी सियासत तेज हो रही है, तो क्या ये कड़ी दर कड़ी चल रहा है या ये मुद्दे अलग नहीं है? एज अ राजनीतिक विश्लेषक देखिए, मैं इस मुद्दे को नहीं ले आता विशेष सत्र का, क्योंकि हमारे सम्माननीय हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के सनातन धर्म की बात करते हैं आप, महिला उसमें सर्वोपरि है, तो सुन लीजिए पहले मेरी बात। देखिए मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि ये जो भारत इंडिया चल रहा है, ये जो INDIA गठबंधन वर्सेस NDA चल रहा है, ये जो विशेष सत्र बुलाने की मांग हो रही है जो तारीख भी अब आ चुकी है, या फिर ये जो अब बिल पास होने हैं, क्या ये कड़ी जोड़ी जा रही है या अलग अलग मुद्दे हम समझे? देखिए हम यह कड़ी जोड़ी जा रही है, और मैं विशेष सत्र को इसलिए लेकर आया कि देश के हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी पहली बार बोले हैं, धर्म को ही लेकर बेचने का काम किए हैं, अफीम पिलाने का बोले हैं, इसलिए विशेष सत्र को लेकर। आप ये बताइए, अभी 3 दिन पहले एक संस्था है RSS, पहली बार मैं नाम भी ले रहा हूं, RSS, उसके प्रमुख इंडिया शब्द से थोड़ा सा नाखुशी जाहिर करते हैं, उसके बाद सरकार इतनी तत्पर हो जाती है कि इंडिया पे बैन लगाती है, लेकिन मेक इन इंडिया या इंडिया के नाम पे कितने काम किए गए हैं उस चीजों को भुलाकर, भाई भारत इंडिया हिंदुस्तान हमारा है, चलता रहेगा, चलते रहने दीजिए। इनका एक मुद्दा आया, आपने देखा वन नेशन वन इलेक्शन, अच्छी बात है, मैं संतुष्ट हूं, मैं खुश हूं, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सन 70 से पहले शुरुआती दौर में हमारे देश में हो चुका है। लेकिन यह भी तो देश जी, लेकिन देश के सामने प्रधानमंत्री जी ये भी बताएं, प्रधानमंत्री जी से इसलिए केवल सवाल कर रहा हूं कि पंचायत इलेक्शन से लेके प्रधानमंत्री के इलेक्शन तक प्रधानमंत्री जी को ही देखा जाता है, दिखाया जाता है भाजपा के द्वारा। तो प्रधानमंत्री जी बताएं कि क्या यह वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ 2024 के लिए ही है या अगले 20 सालों तक का इनका कोई प्लान है? राय साहब वापस लौटे, ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरे मामले पर किस तरह के बयान सामने आए हैं, किसने क्या बोला है, और उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी का क्या कुछ बयान सामने आया है, ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। तो सनातन धर्म पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया, सनातन धर्म पर उदयनिधि के बयान पर सही से जवाब दें, सनातन पर बयान देकर विपक्ष फंस गया है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए। विपक्ष ऐसे बुखार से पीड़ित है जिसमें आदमी बड़बड़ाता रहता है, विपक्ष बेवजह के विवाद खड़े कर रहा है जिससे कोई फायदा नहीं होने वाला, विपक्ष की बेचैनी जो है वो साफ दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सनातन धर्म पर ये निकलकर सामने आया है। अब सनातन के खिलाफ किसने क्या बोला जरा वो भी जान लीजिए। सनातन धर्म कोरोना वायरस संक्रमण डेंगू और मलेरिया के जैसा है, इसको समाप्त करना होगा। प्रियांक खड़गे कह रहे हैं जो धर्म समानता नहीं देता वो धर्म नहीं है। केसी वेणुगोपाल कह रहे हैं हर सियासी दल बोलने के लिए आजाद है, तो ये बढ़ावा देना हुआ साफ तौर पर। उदयनिधि के खिलाफ बीजेपी का बयान, उदयनिधि के बयान पर INDIA माफी मांगे, राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। INDIA के सनातन विरोधी विचार है, ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान सामने आया। मीनाक्षी लेखर कह रही है कि बयान देकर अपनी ही बात पर अड़े हुए हैं, माफी देश से नहीं मांग रहे या माफी सनातन धर्मियों से नहीं मांग रहे हैं। उदयनिधि के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, प्रमोद सावंत ये कह रहे हैं। क्या विपक्षी गठबंधन हिंदू विरोधी बन गए हैं, रविशंकर प्रसाद ये पूछ रहे हैं। अब इससे पहले देख लीजिए इन लोगों के धर्म के लेकर क्या कुछ बयान दिया है। चंद्रशेखर आजरी हिंदू धर्म ग्रंथों को नफरती बताया था, स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म और ग्रंथों पर विवादित बयान कई बार दे चुके हैं,
गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी से हैं, मंदिरों पर पांचजनक बातें उन्होंने कही थी। राजेंद्र गौतम आम आदमी पार्टी से हैं, सनातन के खिलाफ शपथ ली थी और दिलवाई थी। देखिए ये तो मैं कुछ ही नाम गिनवा रही थी, लेकिन और नाम मैंने ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बताए हैं। मनोज पंडित जी मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज जी ठीक है, सनातन पर प्रहार विपक्षी दल कर रहा है, लेकिन इस पूरे मामले को और ज्यादा हवा देने की कोशिश और तूल देने की कोशिश तो बीजेपी कर रही है। एक बात नीरज राय साहब ने कही है कि ये जो अधिकार है वो, क्योंकि हिंदू पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, सनातन पर बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है, ये उनका कहना है, इसलिए सनातन धर्म से जो जुड़े लोग हैं, जो साधु संत है, वो आए, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सामने आई है। काजल जी, सब लोग आ रहे हैं, साधु संत भी आ रहे हैं, बीजेपी भी आ रही है, और मेरा मानना ये है कि जो इनके गठबंधन के दल हैं वह लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। आप भी, कांग्रेस ने इसका विरोध किया स्टालिन के बयान का, और कई लोगों ने इसका विरोध किया। तो ये कोई ठेकेदारी नहीं है कि किसी भी की इसकी ठेकेदारी सिर्फ इसी समाज में नहीं है, हिंदू समाज के लोग भी हर पार्टी में है। और आप देखिए कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान आया था तो उनका भी बड़ा विरोध हुआ और सबका विरोध हुआ इन सब चीजों से। ना आप किसी धर्म को गाली देकर आप ये समझे कि आपको वोट मिल जाएगा तो वो राजनीति अब होने वाली नहीं है। आप काजल जी, राजनीति है विकास की, तरक्की की, सुरक्षा की, शिक्षा की, रोजगार की, अब इस चीज की राजनीति होने वाली है पूरे हिंदुस्तान में। अब हिंदुस्तान किसवीं सदी में चल रहा है, और लोग देखिए ना, G20 की बैठक हिंदुस्तान में हो रही है, इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं और पूरा विश्व हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, और आप सिर्फ इन चीजों को लेके ऐसे विवाद पैदा करने जा रहे हैं जिनका कोई मतलब नहीं है। अब सत्र में क्या होगा, क्या बिल आएंगे, क्या नहीं आएंगे, क्या पेशकश रखी जाएगी, क्या नहीं रखी जाएगी, आपने पहले से अटकलें लगानी चालू कर दी। अरे भाई, आने तो दीजिए उसको, रखने तो दीजिए उसको। अब आप देखिए, इंडिया भारत में ही पूरे देश को उलझा के रखा हुआ है इन्होंने। अरे भाई ये बताइए, भारत और इंडिया में क्या फर्क है? अगर हम लोग इंडिया, आप कहते हैं डर गए कि इंडिया गठबंधन हमने नाम रख दिया तो उससे जो है भारतीय जनता पार्टी डर गई, इससे डरने वाली कौन सी बात है? आप इंडिया और भारत, ये काजल जी, भारत शब्द अपने और हमारे पुराने सिस्टम को जाहिर करता है और बताता है कि हम, हमारी हिंदुस्तान की या भारत की क्या प्रकृति रही है, हमारे ऋषि मुनियों का चीजें, और इंडिया सब अंग्रेजों ने दिया, उस सब से गुलामी की बू आती है। ठीक है, आप देखिए सारी चीजें, इन चीजों को लेके मुझे लगता है कि ये ऐसी बहस हो रही है जिस बहस की अभी आवश्यकता है नहीं। देखिए बहस तो सब चीजों पर हो रही है, देखिए नाम में क्या रखा है, और धर्म सबके हैं, लेकिन धर्म सारे ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, हर धर्म की रिस्पेक्ट हर कोई करता है। लेकिन बात यहाँ मैं ये कर रही हूँ कि हम देखिए ऐसे टॉपिक्स पर लड़ रहे हैं, ऐसे टॉपिक्स पर राजनीति हो रही है जिससे सिर्फ पॉलिटिकली फायदा तो हो सकता है, लेकिन आम जनता को कोई फायदा होने वाला नहीं है। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप, नहीं, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मुद्दों पे बात कीजिए ना, आप उन मुद्दों पे बात कीजिए, चीजों पे बात कीजिए। आप सिर्फ ऐसी चीजों पे बात कर रहे हैं, सिर्फ आप सिस्टम को गोल गोल घुमा रहे हैं, उस गोल गोल घुमाने से कुछ देश का विकास नहीं होने वाला है। आप आधारहीन बातें कर रहे हैं। आप ऐसी चीजें, ऐसे तथ्य रखिए, ऐसी चीजें रखिए जिसपे की बहस करने का कुछ मुद्दा निकले, कुछ कॉन्क्रीट डिसीजन निकले, जिसका कि देश का, नौजवानों का, यूथ का भला हो, पता चले कि हाँ भाई हम इस देश, इस तरक्की के रास्ते पर जा रहे हैं, ये नई चीजें आ रही हैं, या नए, ये नया काम हो रहा है देश में, उनकी बात करें तो ज्यादा अच्छा है। पर लेकिन आप हिंदुस्तान, भारत, इंडिया और आप इन सब चीजों की बातें करेंगे, ये कोई बीच, आप देखिए ये जो विपक्ष में लोग हैं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के व्यक्ति हैं? क्या स्टालिन का बेटा भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है? क्या खड़गे जी का बेटा भारतीय जनता पार्टी से कोई रिलेशन है? पर लेकिन ऐसे बयान देकर, ऐसी चीजें बताकर क्या छवि देश के सामने रखना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं, मेरी तो समझ से परे है। अब INDIA रख लिया विपक्षी दलों ने नाम, तो इस पर भी आपत्ति है सर, ये ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा सर। अब आपको इससे भी आपत्ति है, आप लोग नाम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्यों सर? ये भारतीय जनता पार्टी, कोई आपत्ति नहीं है, आप कोई भी नाम रखे, कल को ये
INDIA हटा के उसका भारत नाम रख देंगे तो क्या हम लोग उसको उससे हमें कोई आपत्ति है? ये कोई आपत्ति नहीं है, ये तो आप भारत नाम रख देंगे। सर भारत तो पहले से ही नाम है ना, कोई ऐसा थोड़ा ना कि आप लोग भारत नाम रख देंगे। गठबंधन के नाम की बात कर रहा हूँ मैं, ये जो गठबंधन है इसका गठबंधन जो अच्छा अगर ये भारत भी नाम रखते हैं तो कोई आपत्ति नहीं है भारतीय जनता पार्टी को? हमको क्या आपत्ति है भाई, आप आपका संगठन है आप। चलिए ठीक है ठीक है कार्तिकेय जी, अगर आप अपने गठबंधन का नाम INDIA इंडिया से हटाकर भारत भी रखते हैं तो कोई आपत्ति भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? कार्तिकेय जी आवाज आ रही है मेरी? आपकी आ रही, मेरी आ रही आपको? जी आ रही है। मैंने कहा कि अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कुछ बात करी है उसका जवाब देते हुए मैं आपकी इस बात का जवाब देता हूँ। भाजपा के प्रवक्ता ने बड़ी अच्छी बात बोली और मैं चाहता हूँ कि यही बात वो अपने अन्य भाजपा के साथियों को समझाएं। उन्होंने किसी को किसी भी धर्म को गाली दे करके और राजनीति करने के दिन खत्म हो चुके, तो ये मुझे लगता है सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए। दूसरा, इन्होंने बोला कि हमें दिक्कत नहीं है इंडिया या भारत, हमें किसी भी नाम से दिक्कत नहीं है, तो उनको यही बात जाकर के जो RSS के प्रमुख है मोहन भागवत जी उनको बतानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने 3 दिन पहले ही जाकर के बोला है कि हमें भारत शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, इंडिया को भूल जाना चाहिए। अब मुझे नहीं पता कि इनको कितना पता है कि इंडिया शब्द इन्होंने बार बार बोलने की गुलामी का प्रतीक है और अंग्रेजों से लिया गया है। भारत की जो इंडिया शब्द की उत्पत्ति हुई है बहुत पीछे जाकर आप देखेंगे तो पहले इसको इंडस बोला गया, फिर इंडस बोला गया, वहां से निकलते निकलते इंडिया बना है। और काजल जी, मैं अगर इनकी बात को मान लेता हूँ, भाजपा के साथी कह रहे हैं कि गुलामी का प्रतीक है इंडिया, तो जो वो आपने इन्विटेशन कार्ड दिया है उसमें जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है तो ये जो प्रेसिडेंट है ये भी तो अंग्रेजी शब्द है, ये किस चीज का? ठीक है कार्तिकेय जी, इस पर हम बात करेंगे। स्वामी चक्रपाणी महाराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। महाराज जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ ऑल इंडिया में। महाराज जी, आजकल सनातन धर्म पर बहुत टिप्पणियां हो रही है, उदयनिधि स्टालिन का बयान आपने सुना होगा, उसके बाद प्रियांक खड़गे हैं उनका भी बयान आपने सुना होगा, इससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य भी सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी कर चुके हैं। देखिए अब सियासी लड़ाई ये है कि कांग्रेस कहती है कि हम सब धर्मों को एक ही मानते हैं, बीजेपी कहती है कि नहीं, विपक्ष का काम हो चुका है कि सनातन धर्म को टारगेट करे। मेरा सवाल ये है कि क्या राजनीति में धर्म को लाना जरूरी है? बिना धर्म को लाए राजनीति नहीं चल सकती। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, अच्छी प्रकार जानते हैं कि आजादी के बाद से ही जिस प्रकार से राजनीतिक तुष्टिकरण हुआ और इस्लामिक तुष्टिकरण हुआ, वो सर्व विदित है, चाहे फिल्मों के माध्यम से हो, चाहे राजनेताओं के द्वारा, चाहे सत्ता में कोई भी हो। जिस प्रकार से इफ्तार में तो हर व्यक्ति टोपी लगाने में गर्व करते थे नेता, लेकिन वही मंदिरों में जाने से कतराते थे, वही जय श्री राम बोलने से कतराते थे। सवाल इस बात का, और यही कारण है कि हमारे जितने भी धार्मिक स्थल है, चाहे काशी मथुरा और वृंदावन देख लिया जाए या अयोध्या जी, वो हमेशा से उपेक्षित रहा। मुझे याद है कि जब UPA की सरकार थी, मैं कई बार सरकार को मैं पत्र भेजा कि भाई सर्वांगीण विकास के लिए बजट पे वो की दिया जाए इसके, और अयोध्या और हमारे जो धार्मिक नगरी है, चाहे मध्य प्रदेश की हो चाहे पूरे देश की, जहां जहां धार्मिक नगरी है कम से कम उसका, लेकिन किसी सरकारों ने उधर ध्यान नहीं दिया। आज जो वर्तमान में देखो, मैं किसी का पार्टी का वो नहीं हूँ सदस्य, लेकिन फिर भी मैं बड़ा गर्व से करना चाहता हूँ, वर्तमान में जो सरकार है ये कहीं ना कहीं धार्मिक जो नगरिया है उसको विकास करने में अपनी बहुत ज्यादा भूमिका का निर्वहन कर रही है, जिसका परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है, दूसरे को परेशानी हो रही है जो अब तक मुस्लिम सृष्टि करते आए हैं। आज देखो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अयोध्या जी जाते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, ऐसे कोई सोच नहीं सकता था कि देश का कोई प्रधानमंत्री जाएगा और हमारे रामलला के सामने, चूंकि मैं रामलला में खुद ही राम जन्मभूमि में एक पक्षकार था सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे बड़ा गर्व महसूस होता है कि देखो जब तक अपने देश का हमारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी जब हमारे सनातन संस्कृति को जब सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे विश्व में सम्मान बढ़ता है, और अब विश्व में पूरे सम्मान तो पहले भी था, अब जो बढ़ रहा है क्योंकि जिस सनातन धर्म में सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे संत निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भागवत का सिद्धांत दिया, जिस सनातन धर्म में वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत दिया, यानी वसुधा पे पृथ्वी पे रहने वाले जितने प्राणी है सब परिवार है, उसको आज स्टालिन के पुत्र जो है उदय निधि, स्टालिन वो
हाँ वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म को खत्म करना पड़ेगा और वो विषय जो होता है बताइए कि मंत्री होके तमिलनाडु के वो एक कार्यक्रम में जाते हैं, उस कार्यक्रम का नाम होता है सनातन धर्म उन्मूलन, यानी कि जैसे दहेज उन्मूलन होता है कि समाप्त करो, उसी तरह सनातन धर्म उन्मूलन मैंने सनातन को खत्म करने का बताइए। यह तो एक जिहादी सोच है, यह तो एक आतंकी सोच है। तो ये इनके पिताजी ने भी पहले कितनी मंदिरों को तोड़ा स्टालिन ने, और उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ मैंने सैकड़ों प्राचीन मंदिरों को तोड़ा तमिलनाडु में, और उनके जो पिताजी थे दादाजी यानी कि जो करुणानिधि जी, वो खुद ही भगवान राम पे कई बार टिप्पणी कर चुके हैं, सहित समुद्रम को तोड़ने का समर्थन कर चुके हैं और हिंदू सनातन के खिलाफ हमेशा से। महाराज जी, ये सनातन के खिलाफ जो लड़ाई लगातार चल रही है, प्रियांक खड़गे कह रहे हैं कि जो धर्म समानता नहीं देता वो धर्म नहीं है, तो मैं थोड़ा सा सनातन धर्म के बारे में आप लोग आपसे समझना चाहूंगी ताकि हमारे दर्शक भी समझ सके, हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो भी समझ सके। देखिए मैंने पहले ही बताया सनातन धर्म जो हमारा ऋग्वेद क्या कहता है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करता है ना, सर्वे भवन्ति सुखिनः की बात करता है, सबकी सुख ऐसे कहाँ है भाई, दूसरे में चले जाओ कहता है कि जी हम ईमान को मानने वाले बाकी सब काफिर है, जो मूर्ति की पूजा करता है वो काफिर है, यहाँ तो किसी को काफिर कहा ही नहीं गया, तुम एक ईश्वर को मानो, बहु ईश्वर को मानो, तुम माता पिता को मानो, तुम पहाड़ों को पूजो, तुम पेड़ों को पूजो, तुम नहीं भी पूजो, यहाँ तक कि चरवाक को भी हमने वो माना, यहाँ तक कि जो है महात्मा बुद्ध को भी, भगवान महात्मा बुद्ध को भी हमने अवतार माना, हिंदू सनातन ने माना, तो हिंदू सनातन में तो कितने आए और आत्मसात हिंदू सनातन ने कर लिया, यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि अस्थि मिटती नहीं हमारी, हमारा सनातन धर्म जो वेद कहता है मनुर्भव, वो ये नहीं कहता हिंदू बनो मुस्लिम बनो ईसाई, वो कहता है मनुर्भव यानी मनुष्य बनो, मनुष्य क्या है जो जिसके अंदर सत्य अहिंसा करुणा दया प्रेम उसका मूल बताया कि यही मूल है। आप बताओ कि जिस प्रकार से हमारे हर चीज सेवा का आधार जो बनाया, उस सनातन को कहना अपने आप में मानवता पे मानवता को कलंकृत करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर जो मानवता कहीं है विश्व में तो सनातन, आज पूरे विश्व के लोग सनातन धर्म की तरफ आकर्षित हो रहा है, भगवान श्री राम अवतरित हुए सनातन धर्म में, सनातन की गौरव गरिमा को बढ़ाया, कृष्ण भगवान आए वो गौरव गरिमा को बढ़ाया, आज जगत गुरु शंकराचार्य उन्होंने चार पीठ वो करके सनातन की पताका ध्वज पताका को आगे लेके, कोई सनातन धर्म का संस्थापक नहीं है, किसी ने स्थापना नहीं किया, इसका जन्म जो बर्थ सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, बर्थ सर्टिफिकेट जिसका जन्म होता है उसका मृत भी होता है, लेकिन सनातन धर्म जो है अनंत है, सनातन धर्म का ना आदि है ना अंत है, क्योंकि ये अनंत है, सनातन ब्रह्मांड के साथ ही है, इसकी किसी ने स्थापना नहीं किया, हाँ अनेक महापुरुष अवतार अब आते हैं और इसकी गरिमा को बढ़ाते हैं, इसके गौरव को आगे लेके जाते हैं, इस परंपरा को आगे बढ़ाते हैं, तो ये सनातन है। अब इस सनातन को अपनी संकीर्ण दृष्टि से ये कहा गया ना कि जाकी रही भावना जैसी हरी मूर्त देखी तीन तैसी, जैसी जिसकी चूंकि मजहबी दिमाग है मजहबी सोच है, लोगों के द्वारा बनाए गए सांप्रदायिक दृष्टिकोण से उस देखते हैं कि भाई हमारा तो स्थापना हमारी तो ग्रंथ इसने लिखा, हमारा तो संस्थापक मजहब के ये है, इनके कौन है, अरे भाई यही तो बात है, आप जितने सनातन धर्म को जानोगे उतने ही गहराई में वो करो, पहले सनातन को तो जानो तो पहले क्या है जी, जितने भी समझने की आप कोशिश करोगे आप उसी की गहराई में खोते हुए चले जाओगे, महाराज जी कहने की कोशिश करें, ठीक है महाराज जी आपको रुक करूंगी। देखिए अब खड़गे जी ने खुद कई बार कहा था जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है कि सनातन धर्मियों को सनातन धर्म का राज नहीं आना चाहिए, खुद ये सनातन पे कितनी बार टिप्पणी कर चुके हैं, अब इनके पुत्र ने भी बोला है इसी तरह की बात, तो यह कहने का मतलब है दोनों डीएनए चाहे वो स्टालिन परिवार हो या ये खड़करे परिवार हो, ये कहीं ना कहीं ये हिंदू फोबिया से ग्रसित लोग हैं, और राहुल जी तो खुद ही कहते हैं कि जी ये पुजारियों का देश नहीं है, उन्होंने तो भगवान राम को काल्पनिक तक करके कांग्रेस ने भी डेबिट लगा दिया सर्वोच्च न्यायालय में, सवाल इस बात का है कि यह मानसिकता हिंदू और हिंदुस्तान के लोग और भारत के लोग समझ रहे हैं और उसको कोई भी जो धार्मिक स्वाभिमानी व्यक्ति है उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, हमें तो आश्चर्य होगा उसके बावजूद भी कांग्रेस के साथ जो कथित रूप से ब्राह्मण समाज के हैं चाहे और हिंदू सनातनी जो भी होगा, हमें नहीं लगता किसी कोई भी आत्मा से स्वीकार करेगा, तो कम से कम कांग्रेस को सबसे पहले जहां पे है जहां पे राजनीति कर रहे विपक्षी जो उसको कम से कम वहाँ की देश की चीजों को तो समझो, हमारी देश की पहचान हमारी सनातन संस्कृति से पहचान है, ठीक है, जो आते हैं यहाँ पर होली दीपावली दशहरा से आकर्षित होते और मनाने आते, भगवान राम यहाँ के आदर्श है, माता सीता जगत जननी है,
और उस पे आप टिप्पणी कर देते हो जब चाहे तब, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि एक अंतिम में एक बात बोलना चाहता हूँ, चूंकि बालकांड में गोस्वामी जी ने लिखा है ना कि जहां जब यज्ञ योग मुनि करही तह मारिच सुबाह डरही, देखत यज्ञ निशाचर धावहिं करहिं उपद्रव मुनि दुख पावहिं। जब इस पवित्र मुनि यज्ञ अनुष्ठान करते थे तो अनेक असुर आके विघ्न डालने का काम करते थे। उसी प्रकार से भगवान श्री राम का जब भव्य मंदिर बन रहा है तो इसमें अनेक, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो चाहे अनेक तमाम लोग जो है अपनी अपनी विघ्न डालने का काम कर रहे हैं। जब पूरे देश और विश्व खुशी के पल का इंतजार कर रहे हैं उस समय विघ्न डाल रहे हैं। चूंकि त्रेता में भी उस तरह के डीएनए थे, वर्तमान में भी रूप बदल गया लेकिन डीएनए वही है। यही बात है, सकारात्मक और नकारात्मक लोग हर जगह है। सवाल यह है कि बिना जाने किसी महाराज जी बहुत बड़ा एक कुटाराघात, एक हमला किया है डीएनए को लेकर, और समझदार के लिए इशारा ही काफी है। खैर आपका रुख करूंगी, फिलहाल मैं नीरज राय साहब के पास जाऊंगी। राय साहब देखिए, हमने सनातन को समझने की, हम सभी बेहतर तरीके से जानते हैं जो सनातन धर्म से है, लेकिन महाराज जी ने और बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल फिर वही है राय साहब कि हिंदू फोबिया हो गया है क्या विपक्षी दलों को? क्या हिंदुओं से डरने की कोशिश कर रहे हैं या इस डर के आगे जीत की तैयारी कर रहे हैं? नहीं नहीं, देखिए महाराज जी की हर बातों से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ, लेकिन महाराज जी निकल तो गए। महाराज जी जिस राम मंदिर के चर्चा किए हैं, दर्शकों को बताए हैं, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, क्या राष्ट्रपति को लेकर गए हैं क्या प्रधानमंत्री जी? तो स्वामी जी से हमको पूछना भी था कि किस मुहूर्त और किस तिथि के तहत राम मंदिर को सबके लिए जनवरी 2024 में खोलने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया था। क्योंकि अगर राम मंदिर को खोलना भी है तो नवरात्र में खोला जाता है, अप्रैल के नवरात्र में खोलिए या आप अक्टूबर में खोलिए, लेकिन यहां पर राजनीतिक बात बोलकर हमारे स्वामी जी निकल लिए। स्वामी जी ने कहा है, मैं उनकी बातों को कह रहा हूं, उन्होंने कहा है कि अन्य सरकारें नहीं लेकिन ये सरकार जो अयोध्या मथुरा काशी की बात करती है, मंदिर बनाती है। मैं स्वामी जी से भी जानना चाहता था और देश की जनता भी जानना चाहती है, क्या भूखे भजन हो ही गोपाला? स्वामी जी ने कहा, कुछ नेताओं के बारे में गिनाया कि मंदिर टूटे थे, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर मुगलों के बाद अगर देश में सबसे ज्यादा कभी मंदिर टूटा तो गुजरात में 2006 में टूटा, अगर उसके बाद कहीं मंदिर टूटा तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लोकसभा क्षेत्र बनारस में टूटा है। तो मतलब कि सरकार जो मंदिर तोड़ती है या हमारे मोदी जी तोड़ते हैं तो वो मंदिर राष्ट्र हित में और भगवान के हित में है। अगर इस तरह से कुछ होता है तो वो राष्ट्र के हित में नहीं है। और आइए, उन्होंने कहा है, मोदी जी ने बोला है, हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है उदय निधि की बातों पर कि इसका एक माकूल जवाब दिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बोला है, देश की जनता उनसे जवाब चाहती है। काजोल क्या जवाब चाहती है कि काला धन के लिए जो आप एसआईटी बनाए थे उस पर क्या परिणाम निकले? नहीं, ठीक नहीं है, नहीं सुनिए, नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए कुछ सेकंड में, देखिए जनता, देखिए कुछ सेकंड में इस पर, देखिए देखिए यह चीजें अच्छी नहीं होती, ठीक है, ये चीजें अच्छी नहीं है। कुछ सेकंड हमको बोल लेने दीजिए। राय साहब, राय साहब, मेरे पास समय की कमी है, माफ कीजिएगा सर, हम जरूर चर्चा करेंगे, आगे चर्चा होती रहेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सियासत की लड़ाई लगातार जारी है, लेकिन सवाल ये है कि सियासत में जो धर्म का अपमान हो रहा है वो कितना सहा जाएगा? फिलहाल के लिए इतना ही, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।